नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एसआर बॉक्सिंग एकेडमी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खिलाड़ी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उन तमाम खिलाड़ियों से आज हम आपको मिलवाएंगे जो यहाँ पर बॉक्सिंग एकेडमी में ट्रेनिंग लेते भी हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया बॉक्सिंग के अंदर। जो आप वंशिका वालिया की तस्वीर देख रहे हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, इसको बोलते क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन बॉक्सिंग की ट्रेनिंग है ये तो हम समझ पा रहे हैं। वंशिका वालिया है, संचित सांगवान है, उनसे जुड़ेंगे जिनके गले में ब्रॉन्ज मेडल है, वंशिका वालिया जिनके गले में गोल्ड मेडल है, उनसे एक बार जानेंगे कि किस किस लेवल पर वो अब तक खेल चुके हैं, कितने मेडल वो बॉक्सिंग में लेकर आ चुके हैं और आने वाले समय में उनके क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। सबसे पहले संचित सांगवान, बधाई हो आपको, बहुत बहुत, गले में आपके ब्रॉन्ज मेडल है, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर आप खेल चुके हैं, इससे पहले आप कहाँ कहाँ पर खेल चुके हैं और कितने मेडल हासिल कर चुके हैं? जी, मैं अंडर 19 नेशनल खेल चुका हूँ, दो बार हरियाणा को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। वेट कैटेगरी क्या है सर आपकी? 57 केजी में। 57 केजी, हाँ, दो साल लगातार, और उसके बाद अब अंडर 19 के बाद हम यूनिवर्सिटी खेलते हैं। अब फर्स्ट साल था मेरा यूनिवर्सिटी का, दो साल तो हुई नहीं कोरोना की वजह से जी। अब ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम मेडल हासिल किया। फर्स्ट टाइम में मेडल हासिल किया। कितने यूनिवर्सिटीज के पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर आए थे, खिलाड़ी कितने पहुँचे थे, और LPU में हुआ था क्योंकि मेडल पर आप देख सकते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लिखा भी हुआ है। हाँ जी, 350 यूनिवर्सिटी आई थी जी वहाँ पे, और 350 मतलब इतने बच्चे थे, कुछ बड़े वेटों में कम भी थे पर जो छोटे वेट थे उनमें लगातार सब में लगभग बच्चे थे। हमें सात बाउटें मिली हैं वहाँ पे। यानी हरियाणा के बाहर भी आप जाते हैं, अभी पंजाब गए हैं, उसके बाद और भी बहुत जगह जाते हैं जी। अब मुझे इसके बाद वहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, जो मेडलिस्ट है उनको मौका मिलेगा वहाँ पे GSW में। संचित, अब तक गोल्ड मेडल कितने हासिल किए? जी, मैंने अभी तक तीन गोल्ड मेडल हासिल किए। तीन गोल्ड मेडल जी, क्या बात है। संचित, रोल मॉडल कौन है आपके, इंस्पिरेशन किससे मिले आपको? जी, सुमित सांगवान। सुमित सांगवान मेरे बड़े भाई हैं जी हमारे। अरे क्या बात है, तभी मैं सोचूं कि खून में इतनी गर्मी कहां से आई, इतना जोश कहां से आया, क्योंकि बॉक्सिंग के लिए हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, विल पावर, हर चीज जरूरी है जो एक खिलाड़ी में होनी चाहिए। हमारे साथ वंशिका वालिया भी हैं जिनके गले में इंटर कॉलेज लेवल पर गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था, उनके साथ एक और भी खिलाड़ी मौजूद है, दोनों से बात करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आपकी प्रतियोगिता हुई थी और कितनी बार आप मेडल लेकर आ चुके हैं? हमारा कंपटीशन फर्स्ट से लेके 3 तक था इंटर कॉलेज में, और इससे पहले मैंने 2019 में महाकुंभ खेला था, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद तो कोविड की वजह से तो कुछ हुआ नहीं। अभी मैंने 2 महीने पहले भी एक बार रोहतक में सेकेंड इलाइट वुमेन चैम्पियनशिप थी, वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया था, और इस बार ये मेरा पहला इंटर कॉलेज था तो उसमें मुझे गोल्ड मिला। ओके, एंड व्हाट्स योर नेम? करुणा। करुणा, करुणा आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। पहले अगर मैं बात करूँ तो गेम्स डिसाइड की जाती थी कि कौन सी गेम लड़के खेल सकते हैं और कौन सी गेम लड़कियाँ खेल सकती हैं, लेकिन आज हर गेम में, हर क्षेत्र में लड़कियाँ आ गई और अपना नाम भी कमा रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। हाँ जी, ज़रूर, पहले ऐसे देखा जाता था, और बॉक्सिंग तो खास तौर से लड़कों की गेम ही मानी जाती है, लेकिन जब से मैरी कॉम मेडल लाई है तो बहुत बदलाव आया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे साथ और भी देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनर्स भी मौजूद हैं और तमाम करनाल के आसपास के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और ये देखिए, काफ़ी छोटी हाइट की भी और काफ़ी छोटी एज की भी यहाँ पर गुड़िया मौजूद है, एक बार उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। व्हाट्स योर नेम? पाखी। पाखी, कहाँ से आप? करनाल से। SR बॉक्सिंग एकेडमी में कब से आप यहाँ पर हो, कब से एडमिशन यहाँ पर लिया और कब से सीख रहे हो? 2 साल से। 2 साल से, तो क्या लगता है, कैसा लगता है और कितना अच्छा लगता है और क्या कुछ सीख पाए हो अभी तक? बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आया। और तमाम बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संचित सांगवान के लिए बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर हमारे साथ कैप्टन सतपाल सिंह भी हैं जो कि SR बॉक्सिंग एकेडमी के ट्रेनर हैं, उनसे एक बार जुड़ेंगे, जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको दिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरीके से आपने सफलता के पथ पर आगे बढ़ना है, आगे चलना है। सर, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर रहती है और किस तरीके से उस विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपको जाना है, ना सिर्फ खेलना है, जीतना है, मेडल लेकर आना है? सबसे पहले तो मैं जो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने टाइम निकाल के हमारे साथ रूबरू हुए आप जी। उसके बाद ये अकेडमी, जो SR बॉक्सिंग अकेडमी है, ये
करनाल वासियों ने पूरी फेडरेशन ने मिलकर बनाई है, उसके साथ साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ मैम चावला का जो केस जिनकी देख रेख में ये जो स्कूल है फल फूल रहा है, तो उन्होंने हमें ये जगह दी, हमारे पे ये बहुत बड़ा एहसान किया ताकि बच्चों को हम प्रेरित कर सकें। तो मैं आर्मी से हूँ, कैप्टन सतपाल सिंह मेरे साथ, रवि कोच जी हैं जो करनाल के सेक्रेटरी हैं बॉक्सिंग के, इसी के साथ साथ प्रधान सांगमन जी हैं और अन्य काफ़ी लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं। बच्चों का जो व्यू है वो ये है कि इनका फीचर, इनका जो विषय है वो इनकी फिजिकली रहेगी तभी अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, अपने जिस्म से स्ट्रॉन्ग होंगे, दिमाग से स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा ये है मानना है कि ये बच्चे मेहनत करें, और जैसे स्मिथ सांगवान जी हमारे करनाल को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक में, इस तरह बच्चे भी उस राह पे चल के उस अपने अचीवमेंट को बरकरार रखें। तो अभी ये बच्चे इससे पहले भी कॉम्पिटिशन में बच्चे गए थे, अभी से आपके सामने तीन बच्चे गए थे इंटर कॉलेज खेले पहले, उसमें एक लड़की का गोल्ड, एक लड़के का गोल्ड अपना संचित सागवान का, तो वंश का गोल्ड था इंटर यूनिवर्सिटी में, संचित का ब्रॉन्ज मेडल है। तो इसी तरह से बच्चे आगे आगे हर कॉम्पिटिशन में मेडल लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारी जो सबसे पहले डिसिप्लिन, दोनों टाइम की प्रैक्टिस, उसका बच्चों के माँ बाप का जो सहयोग, और ये सब मिला के ये कारवां चलता है जो कि जिसको हम बढ़ा रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमारे नाम को इन्होंने रोशन किया अपने माँ बाप के, स्टेट के, तो आगे भी ऐसी होता रहे हमारी ये कामना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा फिर स्कूल के उन अतिथिगणों का जिन्होंने हमें ये जगह दे के हमारे को उत्साहित किया, और हमारी अचीवमेंट इसी तरह बरकरार रहेगी, आने वाले टाइम में हम आपको और भी मेडल देंगे। बिल्कुल, और भी मेडल लाकर देंगे। ये तमाम खिलाड़ी जिनकी शक्लें आज आप देख रहे हैं, यही वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में पूरे देश का नाम बॉक्सिंग में रोशन करने वाले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम टीम मेंबर्स हैं, जो कोच हैं, किस तरीके से फूल मालाएं पहनाकर इन खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे बॉक्सिंग की, वो भी तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सर, आपसे बात करूंगी क्योंकि संचित सांगवान के पिता भी हैं, और उनसे जानूंगी। सर, कितनी खुशी आप महसूस करते हैं जब आपका बच्चा खेलता भी और जीत कर भी लाता है, गले में मेडल पहनाए जाते हैं जब उसे? देखो, एक माँ बाप के लिए इससे अच्छी और खुशी क्या बात है जब उसका बच्चा कामयाब होता है। बहुत अच्छी बात लगी जब बच्चा कामयाब हुआ। क्या नाम है सर आपका? विनोद। विनोद जी हैं, विनोद सांगवान हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं हमारे साथ। और भी जो करनाल से सेक्रेटरी हैं इस एकेडमी के, बॉक्सिंग एकेडमी के, उनसे एक बार जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। रवि शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस एकेडमी के बारे में? अब तक कितने बच्चे आप ट्रेन कर चुके हैं और कितने बच्चे यहाँ से मेडल जीत कर ला चुके हैं? इस एकेडमी में लगभग 200 बच्चे हम ट्रेन कर चुके हैं, और हमारे बच्चे पहले तेजस नैन ने नेशनल में मेडल मारा था जी, अभी संचित सागवान ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और खेलो इंडिया में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और कम से कम 10 बच्चे हमारे आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, और खेल नर्सरी के अंदर भी हमारे बच्चे आते हैं, आर्मी ट्रायल के लिए आते हैं। अभी यमुनानगर में पुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ट्रायल हुआ था, हमारे 10 बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करके आए हैं। क्या बात है सर, बधाई के पात्र हैं। और मुझे एक बड़ा ही क्यूट सा बच्चा यहाँ पर दिखाई दिया, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? पार्थ शर्मा। कहाँ से आप? आईटीआई चौक। अच्छा, आईटीआई चौंक से। संचित सांगवान को देखकर क्या फील करते हैं आप, क्या महसूस करते हैं? गर्व तो महसूस होता ही होगा, लेकिन सोचते हैं कि कभी मेरे गले में भी मेडल आएगा? तो बिल्कुल सोचते हैं कि कभी मेरे भी गले में मेडल आएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वजह से शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से इन लोगों का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इन लोगों की खुशी और भी ज़्यादा बांटी जाती है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।